नमस्कार, जय जोहार, सुप्रभातम साथियों। आज मैं हूँ गोवर्धन में और कल रात इसी रैन बसेरा पे रुक गया था गाइस। और आज हम करेंगे राजस्थान की जर्नी। जी हाँ गाइस, आज जैसे तैसे राजस्थान पहुँच ही जाएंगे। और कितना फोग है सुबह के 9 बजे देखते तो, जिसके चलते मैं आज की राइड जो शुरू नहीं कर रहा हूँ अब। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूँ, मैं नंदी घोष ऑल इंडिया एक बाइसाइकिल टूर कर रहा हूँ। और आज से मेरे इस टूर को 128 दिन हो चुका है गाइस। केले वगैरह खरीद लिया है, रास्ते में काम आएगा। यहाँ आँख सेकने के लिए रुक गया था तो इन लोगों ने मुझे चाय ऑफर किया है, तो अभी चाय पी रहा हूँ। चाय पुवा रहा हूँ पैसे ही से आपके यहाँ तक साइकिल से आ सकता हूँ, तो आप अपने शहर में क्यों नहीं चला सकते? मेरा मैसेज है कि आप लोग भी साइकिल चलाएं, क्योंकि अपने शहर में घूमने के लिए साइकिल अगर यूज करेंगे तो पैसा भी बच जाएगा और अपना फ्री में जॉगिंग भी हो जाएगा। तो ये मैसेज पहुँचाने के लिए टूर कर रहा हूँ। तो अब इतने सरसों की खेती हुई है यार, माइंड फ्रेश हो गया। देख मस्त लगा एकदम। शाम का टाइम है लेकिन गजब है यार, गजब। सैकड़ों हजारों एकड़ में फैली है सरसों का खेती। वाओ, सरसों का खेत आज धूप में इतना सुंदर दिख रहा है। और दूर दूर तक जहां देखो सरसों का खेत ही दिख रहा है। मतलब रुक कर नजारे का मजा लेने के लिए मन लग रहा है और मैं रुक गया। इतना सुंदर नजारा है तो रुकना तो पड़ेगा मेरे भाई। व्हाट ए ब्यूटीफुल। अलवर जो है वो 60 किलोमीटर है गाइस, लेकिन आज तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि शाम देख सकते हो, सूरज देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट डूबने वाला है। कल जरूर पहुंचेंगे आपका भाई। मैं पहुंचा हूं अभी राजस्थान के एक रैन बसेरा पे। वहाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा देखने को मुझे मिला। रात को रुकने के लिए तो रैन बसेरा है ही है, लेकिन उससे अच्छा फिर ये जो इंदिरा रसोई योजना है, इसमें से 8 रुपये में रात खाने के लिए रोटी और सब्जी मिल जाता है। बहुत ही अच्छा पहलू लगा। मैं पिछले 6 राज्य घूम चुका हूँ, इस तरह का योजना मुझे नहीं लिखा। रात को रुकने के लिए तो रैन बसेरा मिल जाता है, लेकिन खाने के लिए रात दिन सुविधा मुझे देखने को नहीं मिला था, जो राजस्थान में देख के बहुत ही अच्छा लगा।